अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ द लेक्चर ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 5. टुडे वी विल डू द माइंड मैप. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रफ ड्राफ्ट. व्हाट आर रफ ड्राफ्ट? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम ऑल दीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट आवर वीडियोस, ओके? एंड प्रेस द बेल आइकन. See, that is rough draft on book page number 72. There is the purpose of the rough draft. Why we make rough drafts? In rough draft, ideas are jotted down. Ideas जो होते हैं उनको हम mix करके लिख देते हैं और उसके according हम एक creative work बना लेते हैं. उसको हम rough draft बोलते हैं, ठीक है? जैसे आपको example दी हुई है two friends के बारे में on book page workbook page number 73. True friends, that is the rough draft. First of all, what is the purpose of rough draft? What we have to learn it, that ideas are jotted down. For example, what was the visit? जब हमने चलो ये visit to a zoo किया है या कुछ भी किया है, तो what was the visit? When did we go? ये हमारे mind में questions आते हैं कुछ, कि जब हमने कोई रफ ड्राफ्ट तैयार करना है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं या हमारे माइंड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, फिर हम उसको एक पॉइंट्स की शक्ल में लिख लेते हैं, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? इसको लेके फिर उसको हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है, ठीक है? व्हेन डिड वी गो, व्हाई डिड वी गो, हु वेंट विद अस, हाउ डिड वी गो, ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं. उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना एक पॉइंट्स तैयार कर लेते हैं, ठीक है? और उसके मुताबिक हम उस को एक ऐसे में क्रिएट कर लेते हैं, डैट इज़ कॉल्ड रफ ड्राफ्ट, ठीक है? एंट्रेंस, इंपैक्ट फॉर द प्लेस, पीपल, फूड, इंटरेस्टिंग, हैप्पी हैपनिंग, ये एक और रफ ड्राफ्ट है, ठीक है? डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स वर देयर, ये अ विजिट टू अ जू का रफ ड्राफ्ट है. कंडीशन ऑफ क्लीनिनेस, उसके बाद जस्ट अ कंक्लूजन. फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ रफ ड्राफ्ट ऑन वर्कबुक पेज नंबर 73. आपके द सिटी ऑफ लाहौर का और ट्रू फ्रेंड्स का रफ ड्राफ्ट है, तो ये मैं हम ट्रू फ्रेंड का डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपके एक सिलेबस से रिलेटिव है, ठीक है? तो ये है ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह. सबसे पहले ट्रू फ्रेंड्स क्या होते हैं? ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह होते हैं. तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ऐसे कि ट्रू फ्रेंड्स आर द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह. सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है? ये पॉइंट था हमारे पास और इससे हमने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया. वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी सपोर्टिव, ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. वी कैन से दैट ट्रू फ्रेंड्स आर वेरी सपोर्टिव. थ्री काइंड ऑफ सेंटेंसेस आई मेड विद दिस पॉइंट. ऑलवेज कंसर्नड, have spirit of sacrifice, have tolerance and understanding, do not hurt friends feeling, not proud, have a good sense of humor, give best advice, help through thick and thin, faith and loyalty, least treasure in the world. So these are the keys and the points that we have to come in our mind, that we will create a essay अबाउट अ ट्रू फ्रेंड्स. ट्रू फ्रेंड्स के बारे में हम लोग इन पॉइंट्स से ईजिली बना सकते हैं, ठीक है? इसके लिए ये आप लोगों के लिए हेल्प आउट होते हैं, रफ ड्राफ्ट और माइंड मैप्स, ठीक है? ये आपकी हेल्प करते हैं कि आपने एक essay को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? समझ आ गई? अब ये ट्रू फ्रेंड के बारे में लिखा हुआ है. इसी तरह अब आप माइंड मैप देखें. माई ट्रू फ्रेंड, आपके सिलेबस में जो है आपने माय ट्रू फ्रेंड के बारे में लिखना है, ठीक है? ये क्वालिटीज़ बताई हुई हैं ट्रू फ्रेंड की, रफ ड्राफ्ट बनाया हुआ, ये क्वालिटीज़ हैं. लेकिन आपने माय ट्रू फ्रेंड यानी अपने ट्रू फ्रेंड के बारे में लिखना है. तो ये मैंने आपको माइंड मैप बना दिया. अब आपने इसको खुद माइंड मैप को भी नोटबुक के ऊपर बनाना है और नेक्स्ट पेज पे आपने इसका ऐसे लिखना है. सबसे पहले आपने माय ट्रू फ्रेंड में क्या लिखना है, ट्रू फ्रेंड क्या होता है. तो ट्रू फ्रेंड इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह. वो उसमें कितनी ज़्यादा आपको वर्कबुक पेज नंबर 74 में से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे. ट्रू फ्रेंड होता है क्या, पहले आपने उसको एक्सप्लेन करना है. फिर आपका जो ट्रू फ्रेंड है वो कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है? क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, क्योंकि आप अपने ट्रू फ्रेंड के बारे में लिख रहे हैं तो आपने उसी के ऊपर ही रहना है, ठीक है? लाइक और डिसलाइक क्या है, वो क्या लाइक करता है या क्या डिसलाइक करता है. बेस्ट इन बिहेवियर, क्या वो बेस्ट इन बिहेवियर है. उसका कोई आप इंसिडेंट्स भी लिख सकते हैं. हेल्प यू अलॉट, आपको हेल्प करता है किसमें, स्टडीज़ में, गेम्स में, वगैरह वगैरह, ठीक है? गुड कंपेनियन, वो एक आपका बेहतरीन किस्म का साथी है और कैसे है उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं.
ठीक है, वाई आई एडमायर, आप क्यों उसको एडमायर करते हैं, आप क्यों उसकी तारीफ करते हैं, क्या है उसके अंदर, ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन आपने दे देना है। सो पहले आपने माइंड मैप बनाना है नोटबुक के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चेंज, आप वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ओके, योर राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड यू हैव टू फिल योर इंडेक्स फर्स्ट। फर्स्ट पेज पे आपने माई ट्रू फ्रेंड का माइंड मैप बना लेना, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने इसको कंपोज करना है, यानी कि आपने इससे माइंड मैप से क्रिएटिव वर्क करना है, ऐसे बनाना है, ठीक है, माई ट्रू फ्रेंड, ओके, डैट इज ऑल्सो योर डायरी, राइट माइंड मैप एंड प्लस क्रिएट एसे ऑन योर नोटबुक्स एंड योर राइटिंग शुड बी वेरी नीट विथ प्रॉपर डेट एंड डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।